Oh my God. आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटे सा मैसेज है, वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे भाइयों ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ था और मैंने सारे मैसेजेस पढ़े हैं, कुछ को मैंने रिप्लाई भी किया, तो थैंक यू वेरी मच। आप में से काफ़ी सारे भाइयों ने हमें ये कहा हुआ था कि जी हम इधर रहते हैं या हम उधर रहते हैं, इस तरह उस तरह, जिधर जिधर से भी आप लोग थे। E46 हमने जो अभी BMW ली है उसके पार्ट्स के लिए, तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने पूछा इतना ही मेरे लिए बहुत था। और एक भाई से मैंने कुछ ना कुछ फरमाइश की भी है, तो आई होप के खैर खैरियत से वो भी आ जाएँ और हमारा वो सामान भी आ जाए। बाकी आज का दिन शुरू करते हैं, पता नहीं आज क्या होना है लेकिन कुछ ना कुछ होगा, मे बी अ टेस्ट ड्राइव, और टेस्ट ड्राइव के लिए हमें ज़रूरत होगी टायरों की। जैसा कि आपको बताया था टायर हमारे ओके हो गए हुए हैं, इसीलिए हमें दो टायर की ज़रूरत होगी। ये वाले जो दो हमने उस दिन निकाले थे ये हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ये नहीं है, ये हम डालेंगे किसी अच्छी ओकेजन पे। ये दो पीछे रह गए, ये दो डाल लेते हैं भाई, ये सही है। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे भाई इस केमिकल के बारे में पूछ रहे थे जो कि हमने आखिरी वीडियो में अपनी BM के इंजन में भी यूज़ किया। इस केमिकल का ऐसा कोई नाम नहीं है, मुझे खुद भी इसका नाम नहीं पता, इतना पता है कि इसको बिलालगंज वाला केमिकल कहते हैं। नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, मिल जाता है कहीं ना कहीं से, जोरटाउन में शादीवाल मार्केट से मिल जाता है, बिलालगंज में भी मिल जाता है, इन दो जगहों के अलावा कभी मैंने लिया नहीं। बिलालगंज वाला ऑरेंज केमिकल आप इसको कह सकते हैं, तो यही है। बाकी ये लगाते हुए आपको एक टिप देता हूँ कि कोशिश करें कि आपके हाथों से अवॉइड हो जाए क्योंकि बाद में आपको खुजली और आवाज़दारी होती रहेगी। हाँ भी कपड़ा उधर से ऊपर करना, धूप कितनी तेज है यार, उफ तू मची धूप रे। संडे की छुट्टी हमने खूब इंजॉय की है और ज़रा वापस काम की तरफ आए। अस्सलामुअलैकुम जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है, खैरियत से और मज़े में होंगे और आपका दिन ठंडा गुजर रहा होगा क्योंकि मेरा दिन वर्कशॉपों पर है और मेरा दिन बहुत गर्म है। धूप आज बहुत सख्ती से तेज़ है, वर्कशॉप हम पहुँच चुके हैं। गाड़ी का जो काम हमने पिछली वीडियो में जो आपने देखा उसमें शामिल थे, प्लग्स सारे इसके फ्लूड चेंज होने थे, चीज़ें रह गई थी वो थी जी हमने अपनी ब्रेक चेक करनी है और उसके अलावा अगर हमें फ्यूल पंप सर्विस की ज़रूरत है तो वो करना है। उस सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और अभी इसकी टेस्ट ड्राइव का कोई इंतज़ाम बनाते हैं, लेकिन अभी धूप इतनी कुछ ज़्यादा तेज़ है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर हम सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसीलिए धूप थोड़ी सी टल जाए तब तक इसके जो छोटे मोटे काम हैं वो मज़ीद देखते हैं सोचते हैं। ताहिर भाई किधर हैं, बैटरी का टर्मिनल उतरा हुआ है। 12 seconds later. गाड़ी बंद कर दो अब। ऑयल कूलर में जाना है ना। हाँ कर दो बंद। गाड़ी हमारी माशाल्लाह जी स्टार्ट है और मौज भी गई हुई है, जरा नीचे कुछ चेकिंग वेकिंग करने। ओए 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 गालब। और भी जरा कुछ इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा तेज है जैसा कि आपको बताया है और हमने इसका मीटर भी लेना था, तो मीटर लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा बिलालगंज। तो बिलालगंज जाने के लिए ये टाइम थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है। उतनी देर चलते हैं, इसकी पाइपिंग में जो लीकेज है वो ओके करते हैं और नया एग्जॉस्ट लगाते हैं। प्रोजेक्ट कार को लेके निकल पड़े हैं, जा रहे हैं नया एग्जॉस्ट लगवाने और पाइपिंग में जो रोले हैं उनको क्लियर करना है, बहुत सख्त ज़रूरी है। साथ हमने फजी है इसको पकड़ लिया है क्योंकि हम अकेले जाना है इस टाइम में, दिल नहीं था कर रहा, पेट्रोल भी तो ख़त्म हो जाता है ना हमारी ये अच्छी गाड़ी का, तो इसीलिए ओए इसीलिए ज़रा सेफ्टी फर्स्ट। गाड़ी का सांस खुला है, इंटेक लगा के भाई इतना काम हुआ जानो, सिर्फ इंटेक थोड़ी लगा। यार आराम से चलाओ बॉस, साइडवेज लाइफस्टाइल जानो।
यार रोड बड़ी इस टाइम में गर्म और सख्त दोनों है भाई। ये जो पीछे चीजें पड़ी हुई है ना ये मुझे बज रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आते रहते हैं चलाएंगे जरूर। यकीन करे बॉयज के नाइट्रस चलाने के बाद ना कुछ भी तेज नहीं लगता। V8 इज वेरी गुड, बहुत पिकअप है इसका, इस चेसिस में तो बहुत मजा है। लेकिन पिकअप भाई उन्हीं गाड़ियों का है, इसका टॉर्क है, इसकी ड्रिफ्टिंग में ये बहुत अच्छी है, लेकिन पिकअप उनका ही है जी। उनकी है यार, कैसे लगना है क्या मतलब है, बड़ा ही है साजी, इसको जरा नीचे करके लगाना है ताकि मजा भी आए। तो जी बॉयज वी आर बैक एट बिटू भाई, इधर मौजूद है हमारी पहचानवे, ये आई हुई है हेडर्स बनने के लिए, साथ हम अपनी BMW को भी इधर ले आए हैं। इसका हमने एग्जॉस्ट चेंज करना है, बिग एग्जॉस्ट, वेरी बिग। एग्जॉस्ट की कंपनी का तो नहीं पता लेकिन है ये चैम्बर टाइप ही, बहुत बड़ी ढोलकी है और इसका जो आउटलेट है वो बहुत ही बड़ा है, इसीलिए बहुत मजा आएगा। आवाज भी निकाल ली हमने, आवाज कम करनी है। डेली ड्रिविन एसी ऑन वाली गाड़ी बनानी है तो जरा करना पड़ेगा ना, धूप बहुत तेज है। एक्स ओनर साहब आज भी मौजूद है, साहब फजीयत मौजूद है, फजीयत अपनी कमर चेक कराओ, कमर चेक कराओ फजीयत को, साइडवेज के दौरान ना डैमेज रिपेयर हो गया, हम बड़े अफसोस का मुजाहरा कर रहे हैं इनके साथ। फिलहाल जरा एग्जॉस्ट लगवा लें के बाद चलते हैं। हाँ साहब हरी दो भाई उधर वो डेरे पे आए हैं। कंपनी लाभ की हाँ इधर रखना है इसको ताकि यहाँ ढोलकी, यार एक मिनट मेरी बात सुने ना, इसको पहले उतरे हुए को ये जो इसका डेंट पड़ा हुआ ना टिप पे इसको ठीक कर दें, ये कल को सारी जिंदगी नहीं होना, इसको ठीक कर दें फिर लगाए इसको। बॉयज क्या खूबसूरत इसका लुक बन रहा है पीछे से, मैं कहता हूँ क्या बात है, बिग एग्जॉस्ट बिग लुक्स, बहुत प्यारा लगेगा। पर इसको सीधा कर लें फिर फिट करेंगे। हेलो टायर इज नो मोर, इधर हल्ला भी पूरा पूरा है। एक मिनट खलो सा बिटू भाई, एग्जॉस्ट लगाने में हमें क्या मुश्किलात का सामना आ रहा है, वो थोड़ी फिटिंग बनानी पड़ रही है सारी, इसके ब्रैकेट चेंज करने पड़े क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत भारी है, ऐसे ही वेट बहुत है, पीछे ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाने पड़े। बिल्कुल ठीक है जी, एग्जॉस्ट सच में बहुत भारी है। एग्जॉस्ट की आवाज इस वक्त हमें सही तरह नहीं आ रही, उसकी वजह है जी ये छोटे छोटे लाखों किस्म के सुराख जो हमारी पाइपिंग में हैं, इनको ओके कर लें उसके बाद कुछ थोड़ा सा हम एग्जॉस्ट का साउंड चेक कर सकते हैं। वैसे भी इस एग्जॉस्ट का मकसद साउंड बहुत ज्यादा निकालना नहीं है, थोड़ा कम करना ही है, चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है, इसने साउंड को डैम करना होता है अपने अंदर, तो अच्छा है हमारे लिए, हमें इसकी ज्यादा शोर नहीं चाहिए। एक डेली ड्रिवन अच्छी गाड़ी इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ से बनेगी। इसी से एक और बात याद आती है, काफी सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था कि इसको तैयार करते हुए 2 साल लग जाएंगे, इसको ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा, ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, तो अगर आप मुझे मेरे किसी फैसले में सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप कम से कम इस तरह भी ना करें। खैर मैं इन चीज़ों से लट डाउन नहीं होता, ना कभी हुआ हूँ, मैंने जो करना है मैं कर रहा हूँ, लेकिन वैसे ही मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में जिक्र कर लें, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, जो कहते हैं कि 2 साल लगेंगे 3 साल लगेंगे या जितने भी साल लगेंगे, आप वीडियो देखते रहें, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हर तरह से हमारी गाड़ी क्लियर ही होगी। हाय 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 पप्पू दूर जाके देखते हैं, पप्पू ओके का भाई, तो ये एग्जॉस्ट देख के ना दिल ही नहीं भर रहा आपके भाई का, ये इतना खूबसूरत लग रहा है, तो इतना बिग बिग जो लग रहा है ना, क्या बात है माशाल्लाह। आगे चलते जाए तो मुमताज भाई हो चुके हैं गाड़ी के बीच। मुमताज भाई क्या मसला है, हेलो यार इसमें ना फर्क आ रहा है। क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है इसमें और उसमें फर्क है, ये जो स्विच है ना ये, हाँ जी हाँ जी, इनका फर्क आ रहा है, ये शिफ्टिंग के साथ ना ये बटन जो ना वो ऑन होते हैं, हाँ यानी
ये आगे शिफ्ट ऐसे जाएगा प्लस पे ऊपर जाता ना, ठीक है, ये स्विच ऑन करता, जब न्यूट्रल पे पीछे नेगेटिव पे आता तो ये ऑन होता, ठीक है, ठीक हो गया। इसीलिए इसका और इसका बड़ा फर्क है। तो इसको क्या हम किस तरह लगा सकते हैं? या तो इसी तरह का हो तो मैं आपको कनेक्शन कर दूंगा, लेकिन ये और चीज है, वो और चीज है। थैंक यू थैंक यू। चेक शिफ्टर चेक करें, ऐ मोटर लगी हुई है ना, एदा अनग्रिप चाहिए था। मोटर है जेडी ट्रिप्टोनिक वाली है ना, प्लस माइनस वाली, वो है मोटर है की। हां जी, एदा हम थाने ग्रिप चाहिए था, जाओ उनको ग्रिप दियो। Eventually. वो जब सिंह इस तरह का है कि हमारी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी माशाल्लाह बहुत बेहतर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, सांस खुल गया गाड़ी का, काफ़ी कुछ बेहतर हो गया, साइडवेज भी मज़े की मार रही है, बर्नर तो मारा नहीं इस पे खैर, लेकिन गाड़ी की पावर ओवरऑल बहुत बेहतर हो गई है। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट वगैरह फिट हो गया, हमारे जो नीचे पाइपिंग में लीकेज थी वो भी हो गई। आज के दिन में जो काम नहीं हुआ वो था जी हमारा शिफ्टर। अब शिफ्टर में जो मसला था वो आपने सारा सुना है, अब वो जो एक ग्रिप है ना, वो एक ग्रिप नहीं हमें मिल रहा जिसने हमारा ट्रिप्टोनिक एक्चुअली चलाना है, तो उस ग्रिप की वजह से डिले आ गया। अब आज के दिन में वो शिफ्टर वाला काम डिले हो गया, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हमें वो भी मिल जाएगा, और अगली वीडियो में, अगले दिन और अगली वीडियो में हम गाड़ी को पैक भी कर देंगे। एक और अपडेट, ड्राइवर साइड का शीशा हमें चाहिए था, वो हमारा सोर्स हो गया और वो इंशाल्लाह जल्द हमें मिल जाएगा, और उसके बाद हमारा इंटीरियर पूरी तरह पैक हो जाएगा। आज का दिन और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कमेंट्स में अपनी राय से गाह कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में से निकल के इंशाल्लाह हम ब्यूटी की तरफ जाएंगे, और बहुत सारे प्लान हैं गाड़ी के लिए, बस सामान बहुत महंगा है इसका, तो ज़रा हाथ हौला रखना पड़ेगा। गुड नाइट। शौक साहब परे हो, नहीं कार जाके पाना नहीं, यार अज तो दिल आया मेरा।